हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग हम लोग देख रहे हैं एफएम एम का एम टी पी टू एफ के एम टी टू में एफएम के तो तीन चार ही क्वेश्चन आते हैं तो जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे वो तो सिंपल थे लेकिन इसके केस नियर में कुछ बच्चे फंसे थे तो वो क्वेश्चन हमें देखने फाइव टू टेन मिनट्स में सारा काम हमारा हो जाएगा देखिए इसका पहला क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा फंसे थे देखते हैं एक बार टियागो लिमिटेड एन ऑल इक्विटी कंपनी इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैटरी बैटरी का, का काम करते हैं इनके पास प्रोडक्ट की डिमांड है ऐसा है वैसा ये सब कहानी साल पहले इन्होंने एस्टीमेशन किया था कि इनको लाख की जरूरत है लेकिन इन्होंने जो फंड रेज करे वो एक करोड़ रुपए की पेड अप कैपिटल इशू की तो इक्विटी शेयर कैपिटल इनके पास इस समय एक करोड़ यानी हंड्रेड लाख की है ठीक है इसके बाद में क्वेश्चन कह रहा है, कि के पास 60 है तो इनके पास जो रिटेन अर्निंग है वो सिक्सटी लैख की साथ, साथ लिखता इक्विटी बेस है पूरा ऑल इक्विटी कंपनी है ठीक है

और आर हो गया ट्वेंटी परसेंट तो अगर हमें ग्रोथ की जरूरत पड़ेगी तो बी इंटू आर ट्वेल्व परसेंट हमारे पास ग्रोथ जाएगी। ठीक है। यहां पर आंसर में गलती हो गई है, से कह रहे हैं एस्टिमेटेड ई पी एस बीस रुपए तो अगर आपका एस्टिमेटेड ईपीएस बीस रुपए है एस्टिमेटेड ईपीएस बीस रुपए है तो आपका एस्टिमेटेड डिविडेंड पर शेयर बीस रुपए का कितना पे कर देते हो आप फोर्टी परसेंट बीस रुपए का फोर्टी परसेंट आपका एस्टिमेटेड डिविडेंड आठ रुपए होना चाहिए तो बेसिकली डी वन होना चाहिए एस्टिमेटेड है आईसीआई ने इसको डी जीरो लिया ये गलती है तो ठीक है एक गलती ये यहां कर आती है यहाँ पर एस्टिमेटेड लिखा हुआ है तो एस्टिमेटेड ही डिविडेंट आएगा डी वन आएगा आठ रुपए कह रहे हैं पी रेशो फिफ्टीन एक्स है फिफ्टीन एक्स यानी पंद्रह गुना है फिफ्टीन एक्स तो आपका जो शेयर का प्राइस निकल कर आता है पी जीरो वो निकल कर आता है ईपीएस मल्टीप्लाई बाई पी रेशो तो पी रेशो है फिफ्टीन तो आपका तीन सौ रुपए प्राइस भी निकल आया अब आपके पास डी वन है आपके पास जी है आपके पास पी आप जीरो निकाल सकते हैं क्वेश्चन की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कॉस्ट ऑफ इक्विटी बताओ तो के ही निकालने के लिए हमारे पास सिंपली डी वन डिवाइड बाई पी जीरो प्लस जी होता डी वन है आठ रुपए पी जीरो है तीन सौ ग्रोथ है बारह परसेंट और ये हमारे पास निकल कर आ जाता है ए डिवाइड बाई थ्री हंड्रेड

डिवाइडेड बाई थ्री हंड्रेड प्लस ट्वेल्व फोर्टीन पॉइंट नाइन सिक्स परसेंट तो यहाँ पर गलती है ये डी वन लेना था फोर्टीन पॉइंट नाइन नाइन यहाँ पर आपका आंसर अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा जो फोर्टीन पॉइंट नाइन सिक्स है वैसे आ जाइए एक बार देख लेते हैं इसको ये आ गया इनका फोर्टीन पॉइंट नाइन नाइन इन्होंने डी जीरो वन प्लस जी आठ रुपये लिया है जो पूरी तरीके से गलत है ठीक है जी आठ रुपये प्लस ट्वेल्व परसेंट नाइन सिक्स अच्छा फोर्टीन पॉइंट नाइन नाइन ही आएगा उससे भी मेरा भी ठीक है फोर्टीन पॉइंट नाइन नाइन ओके तो पहला इनका गलत था पर कोई बात नहीं उस पर मिट्टी मारते हैं आगे बढ़ते हैं इसमें कुछ पॉइंट हैं जो अच्छे हैं कंपनी वॉन्ट्स टू एक्सपेंड इट कैपिटल बेस बाई रेजिंग एडिशनल फंड बाई वे ऑफ डेट प्रीफरेंस और इक्विटी ये डेट प्रीफरेंस और इक्विटी से पैसा मंगवाना चाहते हैं कंपनी रिक्वायर एडिशनल फंड ऑफ वन ट्वेंटी करोड वन करोड़ ट्वेंटी लैख तो वन सिक्सटी लैख आपके पास है वन ट्वेंटी लैख आपको एडिशनल चाहिए तो आपके पास टोटल टू एटी लैक इन फ्यूचर फंडस होने वाले हैं ओके okay. टारगेट रेशो ओन टू बोरोड फंड इज फोर इज टू वन ओन्ड फंड के अंदर आपके पास में अगर मैं इसको अभी स्प्लिट करता हूं ओन फंड में आपके पास आता है ओन फंड इक्विटी प्लस रिजर्व प्लस प्रीफ्रेंस शेयर कैपिटल ओन फंड में आती है और बोरोड फंड में आपके पास आता है डेट तो बोरोड फंड आ गया आपके पास डेट वाला हिस्सा कहने के हमारा रेशो फोर वन रहना चाहिए तो आप टू एटी को 280 लाख डिवाइड बाय 5 4 इसका मतलब इनसे फंडिंग 224 लाख की रहेगी और 1 56 लाख डेट से आएगा तो डेट से 56 लाख आपको मंगवाने हैं ओके कह रहे हैं कैपिटल गियरिंग रेशो रेशियो एक्स होना चाहिए तो कैपिटल गियरिंग रेशो हमारे पास होता है डेट प्लस प्रीफ्रेंस डिवाइड बाई इक्विटी फंड तो डेट और प्रेफरेंस डिवाइड बाय इक्विटी फंड 0.4 आएगा तो यानी कि हमारे पास अगर मैं इक्विटी फंड को यहां पर ले जाऊं तो डेट प्लस प्रीफरेंस इक्व टू पॉइंट फोर इक्विटी फंड का आ जाएगा अब टोटल फंड कितना है टोटल फंड में हमें पैसा कैसे चाहिए इक्विटी से प्रीफरेंस से डेट से जिसमें कि इक्विटी अपने आप में इक्विटी हो गया टोटल फंड हमारे पास चाहिए टू एटी लैख प्रीफरेंस और डेट हमारे पास बन गए पॉइंट फोर इक्विटी फंड तो यहां पर वन पॉइंट फोर इक्विटी

और बचा हुआ पैसा हम इक्विटी से मंगवा लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर अब जो कहानी आने वाली है ये जो वन ट्वेंटी लैख से आ गया और बचा कितना अस्सी चालीस लाख रुपए हम इक्विटी से मंगवाएंगे ये हमारे एडिशनल फंड की रेजिंग आएगी इससे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकलेगी ठीक है इसके बाद में कह रहे हैं एग्जिस्टिंग डेट मार्केट आर अंडर प्रेशर ड्यू टू ऑनगोइंग आरबीआई एक्शन ऑन एनपीए Attractive yield का कि आपको वो मार्केट की रिटर्न से इफेक्टिव रिटर्न से कम दे रहे हैं तो ऐसे में आपको डिवेंचर कम परिस्काउंट पर इशू करना पड़ेगा इश्यू एक्सपेंसिजी फोर परसेंट ऑफ प्रोसिड चार परसेंट प्रोसिड का

क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाई दिस दिस दिस, दिस जनरेट मार्जिन जो हमारा टैक्स रेट है वो ट्वेंटी सेवन परसेंट रहने वाला है ओके अब जरा देखिए इसके अंदर डिवेंचर का इशू प्राइस नहीं दिया गया एक होते हैं डिवेंचर जो परपिचुअल तक रहते हैं यानी रिडीम नहीं होते अगर डिवेंचर रिडीम नहीं होते तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं मार्केट का इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाई हम जो इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं मल्टीप्लाई बाई वन ये इशू प्राइस आ जाता है तो नाइन पॉइंट फाइव डिवाइड बाई एट मल्टीप्लाई फिर इशू प्राइस आपके पास आ जाता सॉरी उल्टा कर दिया मैंने हम जो रिटर्न दे रहे हैं आठ परसेंट मार्केट जो रिटर्न दे रही है दे रहे हैं हम जबकि मार्केट में है मल्टीप्लाई तो इशू प्राइस एटी फोर पॉइंट अगर ये रिडीम ना होते होते तो तो के, के केस में सिंपल रहता है आपका इंटरेस्ट रेट जो कंपनी दे रही है इंटरेस्ट जो मार्केट में इफेक्टिव चल रहा है या जो मार्केट में ईल्ड चल रही है ईल्ड यानी रिटर्न जो मिल रही है और निकाल लीजिए लेकिन अगर डिवेंचर रिडीमेबल है तो हमें क्या करना है हमें अपने इन्वेस्टर को जो हमारे डिवेंचर लेने वाले हैं उन्हें हमें इफेक्टिवली 9.5 परसेंट रिटर्न देनी है यानी जो डिस्काउंटिंग रेट है इन्वेस्टर का वो 9.5 परसेंट है ठीक है अब यहां पर हमारे पास हम उसे क्या देने वाले हैं हम उसे एक से लेकर दस साल तक की लाइफ है इंटरेस्ट देंगे ये बिफोर टैक्स लेना है आफ्टर टैक्स नहीं लेना पहले बिफोर टैक्स देखेंगे आप तो इंटरेस्ट आठ रुपए का मिलता रहेगा एक से दस साल तक नाइन पॉइंट फाइव का डिस्काउंट रेट है तो वन पॉइंट जीरो नाइन फाइव डिवाइडेड एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस या गया जी टी सिक्स पॉइंट टू सेवन एट एट वन मिनट पी वी आई एफ ए निकाला पी वी आई एफ ए सिक्स पॉइंट टू सेवन एट एट ठीक है सेम टू सेम है पी वी आई एफ ए इसके बाद में ईयर पर हम उसको रिडेम्शन दे वैल्यू दे देंगे रिडीम पे हो रहा है तो सौ रुपए पर और ये 1 साल का एक दो तीन चार पांच सात आठ नौ दस क्या, को क्या मिल, रहा है? को मिल रहा है और लास्ट में रिडेमशन वैल्यू मिल रही है तो इन्वेस्टर के लिए इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी तो एट मल्टीप्लाई सिक्स टू सेवन एट एट फिफ्टी पॉइंट टू थ्री और फोर्टी पॉइंट थ्री फाइव फोर्टी पॉइंट थ्री फाइव इसका मतलब इन्वेस्टर के लिए नाइन्टी पॉइंट फाइव एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिवेंचर है तो वो डिवेंचर के लिए नाइन्टी पॉइंट फाइव एट रुपीज ही देगा तो ये हमें ईशू प्राइस रखना पड़ेगा तो ईशू प्राइस रहेगा नाइन्टी पॉइंट फाइव एट डिवेंचर का यह आ गया इशू प्राइस के इशू प्राइस क्या रहेगा नाइनटी पॉइंट फाइव एट रहेगा ये आ गया जी इसके बाद में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कॉस्ट ऑफ डिवेंचर अप्रोक्सीमेशन प्राइस आपके पास आ गया नाइन पॉइंट इंटरेस्ट रेट है एट परसेंट अब टैक्स लिया जाएगा टैक्स कितना लिया ट्वेंटी सेवन परसेंट और आपके पास रिडेम्शन का इनका टाइम है दस साल चार परसेंट ईशू एक्सपेंस के नाम का माइनस भी करना है आपको तो हमारे पास आठ रुपए का इंटरेस्ट वन माइनस टैक्स रिडेम्शन वैल्यू सौ रुपए हम क्या करेंगे नाइनटी पॉइंट फाइव एट में से चार परसेंट माइनस कर देंगे

पैसा हमारे पास आया है इक्विटी से फोर्टी ट्वेंटी फोर डेट से फिफ्टी सिक्स का रेट हमने सेवन पॉइंट सिक्स का ये दोनों रेट हमारे पास आ गए इनका वाला ले रहा हूं जिससे मैच हो जाए गलत है अब हमारे पास ये तीनों निकल आए और पैसा कितना कितना मंगवाया तीनों से पैसा हमने तीनों से मंगवाया है चालीस लाख चौबीस लाख और छप्पन लाख तो के ई डब्ल्यू में आ जाएगा चालीस बाई वन ट्वेंटी फिर आ जाएगा के पी ट्वेंटी फोर डिवाइड बाई वन ट्वेंटी और फिर आ जाएगा के डी और फिफ्टी सिक्स डिवाइड बाई वन ट्वेंटी इन सबको जोड़ लेंगे और हमारे पास के ओ निकल कर आ जाएगा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछिए इन्होंने तो ये हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पर टेन पॉइंट फाइव टू निकल कर आ जाएगी चालीस लाख इक्विटी से ट्वेंटी फोर प्रीफरेंस से डेट से इतना इनकी जो भी के आ रही है वो रख दीजिए टेन पॉइंट फाइव टू आपके पास आ गया सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन नंबर खत्म इसी में बच्चे थोड़े से लड़ रहे थे ध्यान रखिएगा कि इसका के गलत था और जो डिवेंचर का इशू प्राइस होता है वो प्रेजेंट वैल्यू फॉर फ्यूचर बेनिफिट होता है जितनी भी सिक्योरिटी है ना शेयर इक्विटी शेयर डिवेंचर सबका इशू प्राइस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट होता है तो अगर परपिचुअल तक चलता है तो तो सीधे कर देते हैं हमारा इंटरेस्ट रेट डिवाइड मार्केट का इंटरेस्ट रेट इश्यू प्राइस आ जाता है ये था उस क्वेश्चन क्वेश्चन में जिसमें आपको ध्यान होगा ICI ने दिया हुआ है कि एक सौ तीस रुपए का शेयर है एक सौ फ्लोटेशन कॉस्ट है के, के आर बताओ तो उसका फोर्थ पॉइंट है जिसमें डिवेंचर के लिए बोला है कि डिवेंचर का हाँ जो मार्केट रेट है वो डिफरेंट है और हम अलग रेट से दे रहे हैं तो वहां पर निकालता हूँ परफ्यूचर पे था यहां पर आपके पास रिटेम्शन का डेट दी हुई है तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फॉल फ्यूचर बेनिफिट आप ले लेंगे इसके बाद में दूसरा केस सिनेरियो है आपके पास कि टेन परसेंट डिवेंचर हैं सौ रुपये का एक है पाँच परसेंट डिस्काउंट पर यानी नाइन्टी फाइव पर इशू होगा फ्लोटेशन कॉस्ट दस रुपये है तो नेट प्रोसीड एटी फाइव आ गई डिवेंचर रिडीमेबल प्रीमियम पर है दस परसेंट तो आर वी एक सौ दस रुपये आ गया और दस साल की लाइफ है एन आ गया टेन तीस परसेंट टैक्स है टैक्स का रेट हो गया तीस परसेंट और इंटरेस्ट का रेट हो गया दस रुपये है तो हमारे पास आई आ गया वन माइनस टी आ गया आर वी माइनस एन पी डिवाइड बाई एन प्लस आर वी प्लस डिवाइड बाई आर वी प्लस एन पी बाई टू फॉर्मूला लगाइए नाइन पॉइंट सेवन फोर आ गया इसका ठीक है जी इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि हमारी सेल दस लाख है बीपी 6 लाख है ठीक है ऑपरेटिंग लिवरेज बताना है तो ओ एल का एक फॉर्मूला होता है वन डिवाइड बाई एमओ प्रपोर्शन तो बीपी है 6 लाख दस लाख में से साठ परसेंट इसका मतलब एमओएस होगा चालीस परसेंट

अब इसका उल्टा कर दो एनुअल कैश फ्लो कर दो ऊपर और इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर दो नीचे तो एनुअल कैश फ्लो आपके पास आ रहा है चार हजार इनिशियल इन बीस हजार तो ये आपके पास ट्वेंटी परसेंट आ गया इसको हम अप्रोक्सिमेट आई आर आर भी बोलते हैं ये केस सिनेरियो वाले थे एम टीपी टू में इसके बाद वाले जितने भी क्वेश्चन है वो बिल्कुल लटे है उसमें कुछ नहीं है वो एकदम आसान है एक इसका क्वेश्चन है वो मैं और आपको बता देता हूं क्वेश्चन नंबर सी तो इसका जो ये वाला क्वेश्चन है आपका ये वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन है एकदम सिंपल कैश कॉस्ट पर है इसमें कैश कॉस्ट का जो इनकम स्टेटमेंट इन्होंने दिखाया है उसमें कैश कॉस्ट में टोटल कैश कॉस्ट पे आने के बाद ग्रोस प्रॉफिट जोड़ा हुआ है और सेल निकाली हुई है ये गलत है इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें हमें सिर्फ कैश कॉस्ट तक आना है उसके आगे की नीड ही नहीं है इसके बाद जो इसका क्वेश्चन है अगला वो क्वेश्चन है आपका एमएम अप्रोच पर तो एमएम अप्रोच पे डिविडेंड डिक्लेयर और ना डिक्लेयर होने पे शेयर का प्राइस क्या होगा फिर कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे स्टेप टू और फिर ये पूछा है कि एट द एंड ऑफ द ईयर ईयर के एंड में क्या वैल्यू होगी शेयर्स की तो सबसे पहले हमारे पास शेयर्स की हम वैल्यू निकाल लेंगे अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया तो नहीं किया तो आसान तरीका है पी वन इक्व टू पी जीरो वन प्लस के ई माइनस डी वन तो पी जीरो इनका है छह सौ रुपए और वन प्लस के ई है इनका पॉइंट टू और माइनस डिविडेंट इन्होंने पहले केस में दिया है चालीस तो ये आपके पास पहले वाला छह सौ अस्सी रुपए इन्वेस्टमेंट बीस करोड़ करना है अब हमारे पास डिविडेंट अगर आपने दिया है तो आपका डिविडेंट चला जाएगा यहाँ पर डिविडेंट था चालीस रुपए और दस लाख चार करोड़ का डिविडेंट चला जाएगा ग्यारह करोड़ रूपये आपके पास बचेंगे तो ट्वेंटी करोड़ करोड़ डिवाइड शेयर का प्राइस और दूसरे केस में ट्वेंटी करोड़ अगर डिविडेंड आपने डिक्लेयर नहीं किया तो पूरे पंद्रह करोड़ आपके पास होंगे डिवाइड प्राइस नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे फिर तीसरे पूछा है कि शेयर की एट एंटी एंड क्या वैल्यू होगी तो जितने भी नंबर ऑफ शेयर है एग्जिस्टिंग प्लस न्यू उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए छह सौ अस्सी में अब डिविडेंट डिक्लेयर नहीं किया है तो और अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं आपने डिविडेंड यहाँ पर डिक्लेयर किया है तो छह सौ अस्सी रुपए प्राइस नहीं डिक्लेयर किया तो सात सौ बीस रुपये प्राइस इनको नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई कर दीजिए ईयर एंड पर तो इसमें कुछ नहीं था ये वैसे बता दिया मैंने कर चुके होंगे आप लोग हाँ जी इसका जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें बच्चों ने कुछ पॉइंट पुछ पूछे थे वो मैं बता देता हूँ इनका इनिशियल इन्वेस्टमेंट वन थाउजेंड लैख है वर्किंग कैपिटल वन फिफ्टी लैख चाहिए टी जीरो पर इसके बाद में इन्होंने बता दिया कि हमारे पास थ्री लैख यूनिट हम बना सकते हैं हर साल कितने कितने परसेंट यूनिट की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगा ठीक है जी जैसे यूटिलाइजेशन है तो डेढ़ फिर सेल प्राइस बता दिया बता दिया, तो 360 पर यूनिट आपके पास आ गया, फिर बता दी, पहले और दूसरे साल में टू हंड्रेड और थ्री फिफ्टी है तो पहले साल टू हंड्रेड कॉस्ट दूसरे साल थ्री फिफ्टी उसके बाद में आपकी फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड चलती रहेगी इसके बाद कह रहे हैं जो हमारी एसेट है वो टू हंड्रेड लैक में बिक जाएगी पांच साल के बाद ठीक है चालीस परसेंट से तो जैसे पहले साल का डेप निकाल लो बस कितना है डब्ल्यू डीवी से चालीस लाख आ रहा है अब दूसरे साल तीसरे साल चौथे साल पांचवें साल बार बार डब्ल्यू डीवी पे मत निकालो जो भी टैक्स जो भी आपका डेप्रिशिएशन का रेट है उसे पहले साल के डेप्रीशिएशन में से माइनस करते जाओ जैसे पहले साल का चालीस लाख आ गया आपका चार सौ लाख 40%, 400 आ गया अब इसमें से चालीस परसेंट माइनस कर दो तो दूसरे साल का डेप आ जाएगा माइनस चालीस परसेंट ये टू फोर्टी लैक अब इसमें तो, इस से चालीस परसेंट माइनस कर दो तो, वन फोर्टी फोर इसमें से चालीस परसेंट माइनस कर दो एटी सिक्स पॉइंट फोर इसमें चालीस परसेंट माइनस कर दो फिफ्टी वन पॉइंट एट फोर आ जाएगा ये डेप निकालने का आसान तरीका होता है कि फर्स्ट ईयर का डब्लू डी वी से डेप निकालो कितना आया चालीस परसेंट डब्ल्यू डीवी का रेट है तो हमारी टी जीरो पर वर्किंग कैपिटल आपको कितनी चाहिए थी वन फिफ्टी लैख ये पैसा जाएगा टी जीरो पर फिर टी थ्री पर आपके और वर्किंग कैपिटल चाहिए तो टू हंड्रेड लैख और जाएंगे तो टी थ्री पर टू हंड्रेड लैख आपका और चला जाएगा फिर जब ईयर एंड होगा प्रोजेक्ट खत्म होगा पूरा T5 पर है प्रोजेक्ट एंड तो ये दोनों पैसे आपके पास इनफ्लो में आ जाएंगे तो पहले जाएंगे T0 पे जाएगा फिर T3 पे जाएगा और फिफ्थ ईयर में सारा पैसा वापस कह रहे हैं कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं है तो आप बच गए इसमें आपको प्रॉफिट लॉस नहीं निकालना अब इसके अंदर यहां पर क्वेश्चन के स्टार्टिंग में एक लाइन लिखी हुई है एन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट मेकिंग कंपनी अगर क्वेश्चन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट मेकिंग है तो किसी भी साल में अगर लॉस हुआ तो उसे कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है वो वहीं पर सेट ऑफ हो जाता है तो ये क्वेश्चन बच्चों तो का आपका प्रॉफिट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टैक्स बिफोर माइनस में सिक्सटी लैक तो इस सिचुएशन में एग्जिस्टिंग प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है तो यहां पर टैक्स सेविंग हो जाएगी आपकी दूसरा इन्होंने माइनस में ब्रैकेट बनाया माइनस में नहीं ये पॉजिटिव है जुड़ेगा

बचे हुए 52 लाख पर टैक्स लगाते आप इसके ऊपर टैक्स अप्लाई होता जो भी रेट है तीस चालीस परसेंट तो ध्यान रखना है एग्जिस्टिंग प्रॉफिट मेकिंग कंपनी लिखे होने की वजह से सेट ऑफ ले सकते हैं ओके जी बस इसके बाद में ये आपको बैलेंस शीट बनानी है सिंपल है इसके बाद में ये क्वेश्चन हमारा ई बी आई टी पी एस का सिंपल है इसमें तो कोई डाउट नहीं आया था इसके बाद में क्वेश्चन ने आपको कुछ रेशो निकलवाए थे उसमें कोई दिक्कत नहीं बस यही था तो बाकी कोई मेन केस सिनेरियो और कैपिटल वेस्टिंग का डाउट था खैर मैंने उससे ज्यादा करवा दिया और हमारे बीस मिनट में सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो गए तो एक बार टाइम ले तो देख लीजिएगा ओके जी सभी को टाटा बाय बाय